हमारे जो समाज सेवा में हमेशा आगे रहने वाले और युवाओं का प्रेरणा स्थान हमारे लाड़के नगर सेवक सुमित दादा पाटिल जी के आशीर्वाद से और एकता सामाजिक सेवा संस्था के अध्यक्ष सन्माननीय वेमुल श्रीनिवास जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज एक अच्छा पहल उन्होंने किया है और आज हम लोग का सौभाग्य है कि उनके अच्छे पहल में हम लोग आज साथ में आज आए हैं। आज हम लोग यहाँ पे वेमुल श्रीनिवास जी की तरफ से और कपिल पटेल फाउंडेशन और एकता सामाजिक सेवा संस्था के तरफ से आज यहाँ पे आदिवासी पाड़ा में जहाँ पे गोर गरीब लोग हैं यहाँ पे उनके लिए हम लोग आज अन्नदान का वाटप किया है। उसी तरह हमारे पास जो भी नए पुराने कपड़े हैं तो उन लोगों को यूज होता है वो कपड़े का भी आज वितरण किया गया है। और उसी तरह जो छोटे बच्चे लोग हैं उनको बुक्स और जो पढ़ाई के लिए जो भी साधना उनको लगता है वो सब आज इनके हमारे वेमुल श्रीनिवास जी के बर्थडे में आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो मैं तहे दिल से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही समाज सेवा वेमुल श्रीनिवास जी हमेशा करेंगे और हमारा साथ सुमित पाटिल जी हमेशा रहेंगे, ऐसा आशा व्यक्त करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे पूरे कपिल पाटिल फाउंडेशन, एकता सामाजिक सेवा संस्था और पद्मशाली टेक्सटाइल एसोसिएशन के तरफ से उनको तहे दिल से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मेरे प्यारे बड़े भाई सीनू अन्ना पद्मशाली टेक्सटाइल टेक्नीशियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, उनको मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पूरा टेक्सटाइल डिजाइनर ग्रुप जो पद्मशाली टेक्सटाइल का सेक्रेटरी है उनको, पूरा मेंबर की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमको भी यहाँ पे टेम्बी पाड़ा पे बच्चों को कपड़े और अन्न और बुक्स जो बांटने का प्रोग्राम उन्होंने रखा है, जो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा सेवा करते हैं, तो उनको हमको भी सौभाग्य मिला है। इसलिए मैं उनको जन्मदिन के लिए के ये अवसर पर हमको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनको जन्मदिन के लिए ऐसी शक्ति दे कि लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ देते रहे, उनको साथ हमेशा आर्थिक परिस्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि लोगों को सेवा करने की शक्ति में कभी पीछे ना हटे। यही मैं मेरे एसोसिएशन तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से उनको ये मनोकामना करता हूँ कि भगवान से इनके आगे बढ़ते रहे और हमारे जो इनके कपिल पाटिल फाउंडेशन सुमित दादा और जितने भी ग्रुप है सामाजिक सेवा संस्था, ये सबसे जुड़े रहते हैं। और पद्मनगर में जितने भी ग्रुप से उनके मंडल से उनके जुड़े रहते हैं, वो इनका जो प्यार है वो ऐसे ही हमेशा सबके साथ रहे और फ्यूचर का जो प्लान है उनका जो भी है वो सब ये सबको मिलजुल के आगे बढ़े, यही मैं शुभकामना देता हूँ और तीनों को जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ।